हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अ डॉग नेम ड्यूक। टू स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज ड्यूक हिमसेल्फ। ड्यूक इज अ डोबरमैन पिंशर। डोबरमैन पिंशर जो होता है, ये एक डॉग की ब्रीड ऐसा होता है डोबरमैन पिंशर, और इस डॉग का नाम ड्यूक है। और ये अपने मास्टर चार्ल्स हूपर की रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज चार्ल्स। चार्ल्स हूपर को चक भी बोला गया है। चक इज हिज निकनेम। ही इज अ यंग मैन और वो सेल्स मैनेजर हैं एक केमिकल कंपनी में। उसके बाद आती है मासी। मासी चार्ल्स हूपर की वाइफ है। वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, और जब चार्ल्स ड्यूक को घर लाते हैं तो इनिशियली मासी को अच्छा नहीं लगता, बट लेटर ऑन वो ड्यूक के लिए एक लाइकिंग डेवलप कर लेती है। बाद में उसे ड्यूक अच्छा लगने लग जाता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स कम टू द ब्रीफ सम। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ड्यूक के इंट्रोडक्शन से। ड्यूक जो कि डोबरमैन पिंशर है, ही इज 4 years old एंड अराउंड 23 kilos का है वो। और ना कि वो सिर्फ ह्यूज है, जबकि वो रिम्बैक्चुअस भी है। रिम्बैक्चुअस मीन्स एक रफनेस है उसमें, और यही क्वालिटी है जो चार्ल्स को अपील करती है। अपील मतलब जो उसे अट्रैक्ट करती है। तो उसे डोबरमैन पिंशर क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज उसे उसमें एक रफनेस है। सो दिस क्वालिटी अट्रैक्ट्स चक। चक ही है जो ड्यूक को घर लाता है, और वो ड्यूक को फिर भी घर लाता है जबकि मार्सी को ये ब्रीड डॉग्स की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अकॉर्डिंग टू मार्सी, एक आइडियल पेट कैसा होना चाहिए? एक आइडियल पेट बहुत ही क्यूट सा डॉग होना चाहिए, स्मॉल साइज, छोटा सा, जैसे कि पोमेरेनियन होता है। जो पोमेरेनियन डॉग्स हैं, ये भी एक ब्रीड है डॉग की, वो बहुत ही छोटे से होते हैं और बहुत क्यूट होते हैं देखने में, एज़ कम्पेयर टू डोबरमैन पिंशर जो कि बहुत ही रफ एंड टफ होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर इमेज में देखा। अब मार्सी को बहुत टाइम लग जाता है इस डॉग के साथ यूज टू होने में, क्योंकि उसे लाइक नहीं करती वो इस डॉग को। नाउ वी फर्दर नो दैट चक हूपर जो है वो एक टॉल और स्मार्ट यंग मैन है। वो बहुत ही चीयरफुल है, फिजिकली फिट रहते हैं और प्रोफेशनली सेटल्ड हैं। वो एज अ जोन सेल्स मैनेजर वर्क करते हैं एक केमिकल कंपनी में। उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि जो चक है वो बहुत एम्बिशियस है और अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। अब एक दिन चक जब घर की तरफ ड्राइव कर रहा था अपने काम से, तो चक का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और वहाँ पे पता लगता है कि उन्हें काफ़ी इंजरी हुई है। तो डॉक्टर्स बताते हैं दैट ही सफरिंग फ्रॉम सबड्यूरल हेमोफेरेज इन मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन। नाउ सबड्यूरल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में। हेमोफेरेज मीन्स ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, और ब्रेन के मोटर सेक्शन में, मेन पार्ट में, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो लेफ्ट साइड कम्प्लीटली उनकी वर्क करना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हूपर का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मार्सी को हॉस्पिटल छोड़ देता है, और वहाँ जाके मार्सी देखती है कि हूपर बात भी नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहे। ही कुड सी बट हैड डबल विजन। तो अनक्लियर विजन था, डबल विजन था, देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मार्सी ने क्या किया, मार्सी ने ड्यूक को केनल भेज दिया। केनल इज अ डॉग हाउस जहाँ पे डॉग्स की केयर की जाती है। अब हूपर की इंजरी की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्हें 1 साल की लीव दे दी जाए, छुट्टी दे दी जाए, ताकि वो रेस्ट कर पाएँ और रिकवर कर पाएँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि एक डेस्क जॉब बना दी जाएगी हूपर के लिए हेड क्वार्टर्स में, मेन बिल्डिंग में, ताकि इधर उधर घूमने का काम ना हो। डेस्क जॉब मीन्स जहाँ पे एक डेस्क आपको मिल जाता है और वहीं पे बैठ के आपको काम करना होता है, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। तो कंपनी ने हूपर का ध्यान रखा और उसके लिए जॉब भी ढूंढी।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का अ डॉग नेम ड्यू।